ये 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का तो क्वेश्चन है, बट इसमें ट्रिक है थोड़ी सी जिसको अपन को देखना है कैसे इसको सॉल्व आउट करना है। अ वाटर सप्लाई बोर्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटिंग 1500 मीटर क्यूब पर डे ऑफ वाटर। ये 1500 मीटर क्यूब पर डे ऑफ वाटर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डिस्चार्ज को, कितना डिस्चार्ज है, डिजाइन डिस्चार्ज है, कितना वाटर की डिमांड है वो 1500 मीटर क्यूब पर डे ऑफ वाटर। अ सेटलिंग कॉलम एनालिसिस इंडिकेट दैट ओवरफ्लो रेट कितना है 20 मीटर पर डे। ओवरफ्लो रेट का मतलब क्या है आपको, वी नॉट गिवन है, सरफेस ओवरफ्लो रेट जो है 20 मीटर पर डे है। विल प्रोड्यूस सेटिस्फैक्ट्री रिमूवल ऑफ दी डेप्थ, 3.1 मीटर की डेप्थ है। इट इज डिसाइडेड टू टू सर्कुलर टैंक, जो याद रखना है वैल्यू जो ध्यान रखना है वो टू टैंक्स है, और वो कैसे हैं, नंबर ऑफ यूनिट टू और शेप कैसा है सर्कुलर, ये दो बातें इंपॉर्टेंट जिसको आपका यूज आएगा। इन अ पैरेलल द रिक्वायर्ड डायमीटर, डायमीटर आपको फाइंड आउट करना है, और किसके अंदर यूनिट है आपकी, मीटर के अंदर फाइंड आउट करना है आपका डायमीटर सेटलिंग टैंक का, इस सेटलिंग टैंक का डायमीटर। सबसे पहली बात तो क्या चीजें गिवन है आपको, तो आपको क्यू गिवन है और आपको वी नॉट गिवन है, तो जब आप क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, क्योंकि आंसर फॉर्मूला क्या था, क्यू इज इक्वल्स टू ए वी, और जब एरिया निकालना है इट मीन्स क्यू बाय वी, और क्यू क्या गिवन है, डिजाइन डिस्चार्ज गिवन है, और वी जो है आपका सरफेस ओवरफ्लो रेट गिवन है। डिजाइन डिस्चार्ज की वैल्यू जो है मीटर क्यूब पर डे, और ये है मीटर पर डे, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, डे से आपका डे कट गया, मीटर से मीटर स्क्वायर हो गया, यहाँ से आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, तो 1500 डिवाइडेड बाय 20, जब यहाँ से इसको कन्वर्ट किया तो आंसर कितना है 75 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया निकल के आ गया। जब एरिया निकल के आ गया तो अब क्या बचा कि नंबर ऑफ यूनिट कितनी है, टू, तो अगर सिंगल यूनिट की बात करें, सिंगल यूनिट या सिंगल टैंक की बात करें, सिंगल टैंक का जो एरिया जो है वो कितना हो जाएगा 75 टोटल एरिया डिवाइडेड बाय टू, क्योंकि बोला है कितनी, दो यूनिट है तो उसको डिवाइड कर दिया टू से, उसे डिवाइड करेंगे तो जो आएगा आपका एरिया ऑफ सिंगल यूनिट आ जाएगा। जब एरिया ऑफ सिंगल यूनिट आ गया उसके बाद क्या करना है कि टैंक कैसा है, सर्कुलर है, सर्कुलर टैंक का एरिया का फॉर्मूला पाई बाय फोर ऑफ डी स्क्वायर, जब डी स्क्वायर ऐसे करोगे तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, एरिया का आंसर आ जाएगा। तो उसी तरह से अब ये देखिए जो सॉल्यूशन है इसके अंदर के टोटल प्लान एरिया दे रखा है आपको, 1500 डिवाइडेड बाय 20 किया आपने तो यहाँ से टोटल एरिया निकल के आ गया, और बोला है दो टैंक के डिवाइड बाय टू कर दिया, यहाँ से एक सिंगल टैंक का जो है आपका एरिया निकल के आ गया, टैंक जो है सिंगल टैंक का एरिया है। उसके बाद में बताया था आपको कि जो टैंक कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर टैंक का जो फॉर्मूला होता है एरिया का पाई बाय फोर ऑफ डी स्क्वायर, और एक टैंक का एरिया है 37.5, डी की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 6.91 मीटर, और मीटर जो क्वेश्चन है आंसर के अंदर भी पूछा है, मीटर के अंदर पूछा है, तो ये आपका आंसर है आंसर नंबर डी। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।